an engineer, any engineer in the house? Okay, we have 5 IITians, and let me tell you, I hate IITians. No, let me tell you these are not because of your knowledge, not because of your profession, not because of your income, but because of your email ID. Raj Malhotra naam hoga, email ID hogi raj.iitdelhitopper@gmail.com. मुझ जैसा बंदा जो हाईवे के किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ा है, जिसका कॉलेज का लैंडमार्क होता है नेक्स्ट टू चौरसिया पान भंडार या अपोजिट टू काकेदा ढाबा, वो बंदा कभी कैसे अपने कॉलेज का नाम अपनी ईमेल आईडी में ऐड करेगा? कभी आपने सुना apoorv.mezatgurgaon.rohtakuniversity@gmail.com, shreya.ajaysinghgarg@gmail.com? उसके बाद हर इंजीनियर का सपना होता है एमबीए करना है, चाहे आईआईपीएम से क्यों ना करना, एमबीए करना है। फिर वो कैट का एग्जाम देता है। कैट ने मुझे क्या लगता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों को पागल बना दिया, नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों को पागल बना दिया। ये लोग क्या करते हैं, 3 साल तक बीकॉम करेंगे, 1 साल कैट की प्रिपरेशन करेंगे, कैट नहीं निकलेगा वो तो ऑब्वियस है। 3 साल तक बीकॉम करेंगे, 1 साल कैट की प्रिपरेशन करेंगे, कैट नहीं निकलेगा वो तो ऑब्वियस है, उसके बाद मास्कॉम कर लेते हैं। और मास्कॉम में घुसने के बाद पता चलता है, ओ माय गॉड, एमकॉम और मास्कॉम डिफरेंट था। अबे यार बताया ही नहीं, 2 साल वेस्ट हो गए मेरे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना कितनी भी कट ऑफ डाल दो, बच्चों का पर्पस पढ़ना है ही नहीं। लाइक पंजाबियों का पर्पस होता है, जो उनकी कलरफुल या जिप्सी है उस पर 55 टोटा आगे बैठ जाए, जीवन सफल है। जाटों का पर्पस होता है NSUI की सीट से डुसू का इलेक्शन जीतना है। और यूपी बिहार वालों का पर्पस होता है साउथ इंडियन को पकड़ना है और उससे इंग्लिश सीखनी है, जो वो कभी नहीं सीख पाता क्योंकि कम्युनिकेशन गैप इतना तगड़ा होता है, उसकी हिंदी समझ नहीं आती, उसकी इंग्लिश भाई के ऊपर से निकल जाती है। आई सीरियसली हेट इंडियन एजुकेशन सिस्टम बिकॉज इंडिया इज द ओनली प्लेस जहां पे आपको रट्टा मारना सिखाया जाता है। आई सीरियसली हेट इंडियन एजुकेशन सिस्टम बिकॉज इंडिया इज द ओनली प्लेस जहाँ पे आपको रट्टा मारना सिखाया जाता है। लाइक पहले आपको क ख ग याद कराया जाएगा, फिर ABCD याद कराई जाएगी, फिर 2-3-5 का टेबल याद कराया जाएगा, फिर 9 का टेबल याद नहीं होता, टीचर खुद कहता है लेफ्ट में 1-2-3-4 ऊपर से लिख देना, राइट में 1-2-3-4 नीचे से लिख देना। फिर आप बड़े होते हो, सोचते हो सब बंद हो जाएगा, टीचर बड़ा नहीं होता, वो आपको SSC की डेट याद करा रहा होता है। आप सोचते हो एक बाहर का बंदा आया हम पे राज करके चले गए, हम यहाँ SSC की डेट याद कर रहे हैं। फिर अच्छा खासा बंदा TCS या इन्फोसिस में जॉब कर रहा होगा, उसे एग्जांपल देंगे सी चीफ जॉब्स, बिल गेट्स। अब SSC की डेट याद करके कौन चीफ जॉब्स बन पाया है, हैं? यहाँ तो अभी तक ओमेगल और फेसबुक से नहीं निकले, हम लोग डेली हिस्ट्री डिलीट करनी पड़ती है क्योंकि पापा को लगता है बच्चा पकड़ लेगा, बच्चे को लगता है पापा पकड़ लेगा। उसके बाद हम इंजीनियर में एक शौक होता है, हम ऑन साइट के लिए अमरीका जाते हैं। इंडिया एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे हम अमेरिका जाते हैं, आते हुए अमेरिका हो जाता है। कुछ लोग फिर भी अमेरिका अमेरिका में कंफ्यूज रहते हैं, वो कहते हैं आई बीन टू स्टेट्स, वो अमेरिका का फंडा ही हटा देते हैं। एंड व्हेन एवर गाय गोज टू US, फर्स्ट एंड फॉर मोस्ट थिंग ही डज इज ओपन हिज लैपटॉप एंड अपडेट हिज स्टेटस, USAAAAA. इट्स नेवर बी लाइक USA, इट्स ऑलवेज बी लाइक व्हेन एवर यू गो टू गोवा यू ऑलवेज अपडेट योर स्टेटस एज गोवा। और जब आते हैं तो कुछ चीज नहीं होता, एप्पल का मोबाइल और लैपटॉप ले आते हैं, सस्ता मिलता है वहां से। फिर गफ्फार में क्रैक करवा लेते हैं। और इंडिया में ना फॉरेन के नाम पे 5-6 कंट्री हैं, UK, US, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, मतलब इसके अलावा आप और किसी कंट्री में जाते हो ना, आपको लोग समझते ही नहीं आप फॉरेन हो के आए हो। मतलब आई हैवंट सीन एनीवन अपडेटिंग ऑन फेसबुक ये गोइंग टू अफगानिस्तान फीलिंग वेरी एक्साइटेड, और नीचे कोई लिख रहा है काबुली वाले से आधा किलो काजू किशमिश ले आना यार। ये वो लोग हैं जो 10 साल अमेरिका रह आते हैं लेकिन आज भी वहां की कैपिटल ना न्यूयॉर्क ही बताते हैं, वैसे Washington DC है। और जब बंदा वहां रहता है ना उसको इंडिया की बड़ी टेंशन होने लग जाती है, आई वॉन्ट टू सर्व माई कंट्री मैन, सीरियसली मैन, यहाँ पे कोसते रहेंगे आई वॉन्ट टू सर्व माई कंट्री वहां पे। और जब बंदा यहाँ आता है ना ही स्टार्ट फीलिंग पिटी अबाउट इंडिया, पुअर कंट्री, पुअर पीपल, सो मच ट्रैफिक, आई कांट टॉलरेट मैन, नो। सडनली दिस ट्रू इंडियन हु डिडंट गेट अपॉर्चुनिटी टू गो अब्रॉड ही कम्स इनटू पिक्चर एंड ही सेज बट एट द एंड ऑफ द डे आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, आई एम
proud to be an Indian. And at that point of time, I was thinking, here's the guy who using Gucci shoes, Puma socks, Levi's jeans, jockey brief, ex-deodorant, French perfume, Volkswagen car, Samsung phone with Vodafone network, listening Eminem song, watching Christopher Nolan movies on Apple laptop, eating pizza, pasta, burger and cake, drinking Carlsberg, Tuborg, Chivas Regal, and saying I'm proud to be an Indian. Anyways, how many of you are on Facebook? You know, time tha jab log subah uthte the, kheton mein jate the. Then time change hua, log washroom jaane lage. Ab sabse pehle Facebook pe jate hain. Aur status update hota good morning friends. And guess what, uske like and comment bhi aata hai. Usi ke jaise frustrated desperate guy ka. Jiski mutual unkhai understanding hai, bhai tu mera like kar, main tera like karunga. और फेसबुक ने ना किसी की लाइफ को बनाया हो या ना बनाओ फोटोग्राफर्स की लाइफ बना दी है. वरना इससे पहले हम जब भी फोटोग्राफर सुनते थे हमारे माइंड में अंकल याद आते थे जो कोडेक के कैमरे से फोटो खींचते थे. बट दीज डेज फोटोग्राफी बिकम्स अ प्रोफेशन. एक तो मेरा सिंपल सा मानना है यार, अगर आपके पास कोडेक का कैमरा है तो आप फोटोग्राफर, और अगर आपके पास DSLR है तो आप फोटोग्राफर. और वही है ही ऐसा यार, किसी के पास मतलब सिंपल सा मानना है, जिसके कैमरे के आगे जितने ज्यादा लेंस हो उतना अच्छा फोटोग्राफर. सिंगल लेंस होता है कहता है डब्बू है यार. कुछ नहीं आता, डब्बू है. पांच छह लेंस को भाई डब्बू रत्नानी है ये. और जब बंदा DSLR खरीदने की सोचता है ना, तो सबसे पहले DSLR की फुल फॉर्म याद कर लेता है. कहता है कल को पापा ही पूछ ले, अच्छा फोटोग्राफर बनना है, DSLR की फुल फॉर्म बता. पांच छह बार गूगल करता है, DSLR की फुल फॉर्म याद हो जाती है. फिर कैमरा खरीदता है और पहला स्टेटस अपडेट होता है माई फर्स्ट DSLR कैनन EOS 550D एंड आई एम लविंग इट. उसके बाद 50 लाइक 100 कमेंट, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस. कुछ लोग भावनाओं में बह के लिख देते सो क्यूट यू डिजर्व इट, सो क्यूट यू डिजर्व इट. उसके बाद शुरू होता है अत्याचार, पेड़ पौधे पंछी जानवर कीड़े मकोड़े सबकी फोटो लेते हैं, और उड़ती हुई चिड़िया की फोटो जरूर लेंगे. लोगों के माइंड में परसेप्शन है, उड़ती हुई चिड़िया की फोटो लोगे देन ओनली यू विल बी कंसिडर्ड अ सर्टिफाइड फोटोग्राफर. मतलब हमें जलेबी मिलती है हम खाते हैं, इन लोगों को जलेबी मिलती है छह एंगल से फोटो ले लेते हैं. इनका बस चले पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तक की फोटो ले लें. और आजकल बच्चों में आप फैशन देखो, आई वॉन्ट टू लर्न स्पेनिश, आई वॉन्ट टू लर्न जर्मन, फ्रेंच सीखनी है यार. मतलब हिंदी तुम्हें ढंग से आती नहीं है. 89 का फर्क आज तक नहीं पकड़ पाए. इंग्लिश भी ढंग से नहीं बोल पाते, उसमें भी यू नो वॉट पता कल क्या हुआ. 4 साल के कॉलेज में एक लैंग्वेज नहीं सीख पाए, C++, Excel, Java, कोई लैंग्वेज नहीं सीख पाए, लेकिन स्पेनिश जरूर सीखनी है. चलो कुछ तो होते हैं जॉब प्रोबेबिलिटी के लिए सीख रहे हैं, कुछ होते हैं अरे ऐसे ही सीख रहा हूँ. अबे ऐसे ही सीख रहे हैं तो घाना या नाइजीरिया की लैंग्वेज सीख ले, हैं वो भी काफ़ी एडवेंचरस देश है. मतलब जब से जिंदगी ना मिलेगी दोबारा आई है ना, सबने अपना हनीमून स्विट्जरलैंड से शिफ्ट करके स्पेन में कर लिया है. सबके माइंड में चल रहा है स्पेनिश सीख लूंगा, आई कैन ईजिली इम्प्रेस अ गर्ल. And the moment Gael becomes expert in particular language, he loves to order pizza with most difficult name to pronounce. फिर उसकी गर्मियों की छुट्टियाँ भी अम्बाला या पानीपत में नहीं बीतती, वो एफिल टावर के नीचे ही बीतती हैं. फिर आजकल आप देखो किसी से यूथ में फेवरेट सिंगर कौन है, Eminem. फेवरेट गाना लूज योर सेल्फ. आप पूछो गाना सुना दे, ऊ नहीं आता हमको. आप पूछो अबे सार क्या है, लेखक कहना क्या चाहता था, वही बता दे, वो सब नहीं पता हमको. फिर रॉक बैंड वाले हिंदी नाम रखते, प्योर हिंदी, धरती अग्नि वायु जल दिल, कैप्टन प्लैनेट बना रहे होते हैं. गाने सारे इंग्लिश में गाएंगे. ये वो लोग हैं जो सबके सामने पिंक फ्लॉयड और बीटल सुनते हैं और रात को अकेले में साजन के गाने सुन रहे होते हैं. एंड दैट इज द रीजन वाई हनी सिंह बिकम सो फेमस इन इंडिया, बिकॉज उसने पिटबुल के गाने पंजाबी में गाए हैं. और हनी सिंह के चक्कर में क्या हुआ, आवाज, हर बंदा सिंगर बनना चाहता है, आवाज मनमोहन सिंह जैसी बनना सिंगर है. यही तो समाज की विडंबना है, आप मनमोहन सिंह बोल दो आपको जोक बनाने की जरूरत नहीं है. आवाज मनमोहन सिंह जैसी बनना सिंगर है, और सिंगर बनने का पहला चैप्टर शुरू होता है बंदा गिटार बजाना सीखता है. और बिलीव मी गिटार का ट्यूटर ना 3000 रुपये घंटा लेता है. और आप पूछो क्यों सीख रहा हूँ, अरे ऐसे ही सीख रहा हूँ. द मोमेंट गाय सेज ऐसे ही सीख रहा हूँ, इट मीन्स ही वांट्स अ गर्ल इन हिज लाइफ. अबे ऐसे ही सीख रहे तो ढोल सीख ले.
मंजीरे सीख ले, नगाड़े सीख ले, उनके बच्चे भूखे मरे, उनको खाने को नहीं मिल रहा है। फिर बंदा कॉलेज से पास आउट होता है ना, आजकल सारे स्टार्टअप शुरू कर देते हैं। दो दोस्त होंगे, एक सीईओ बन जाएगा, दूसरा एमडी। मैंने कहा सीईओ तो बन गया, एग्जीक्यूट किसको कर रहा है? एमडी तो बन गया, मैनेज किसको कर रहा है? कुछ और अलग स्टार्ट होंगे, सीईओ एमडी फाउंडर। मैंने कहा चार्टर्ड अकाउंटेंट पीयून सेक्रेटरी और लिख देता, तेरी कंपनी ही खत्म हो जाती। फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब बंदा 5-6 साल काम कर लेता है ना, कहता है माय इंग्लिश इज वेरी गुड, आई वांट टू बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर। एनीवेज, एनी आईपैड यूजर इन द हाउस? यू नो आईपैड से एक नई टर्म लिख ली, आई एक्चुअली वांटेड टू यूज दिस बिट 6 मंथ बिफोर, बट उस टाइम पे सोलो शो प्रिपेयर नहीं हुआ था, सो आई एम यूजिंग इट। हाउ मेनी ऑफ यू सीन दैट वीडियो? ग्रेट, अच्छा है फिर तो। यू नो आईपैड से एक नई टर्म निकली, आईपैड स्टड्स। ये वो लोग होते हैं जो जेब में नोकिया 1100 लेकर घूमते हैं, लेकिन गर्लफ्रेंड को जब भी असाइनमेंट ईमेल करेंगे तो नीचे कीबोर्ड से लिख देते हैं सेंड फ्रॉम माई आईपैड। एक तो जब से एप्पल आया ना, हर बंदे के पास आईफोन है। हालत ये होगी जिसके पास नहीं होना चाहिए था ना, उसके पास भी आईफोन है। और क्या फायदा, रात को 10 बजे के बाद मिलता नहीं है। क्यों जी? बैटरी डाउन थी। आईफोन के फोन एक ऐसे फोन है जो यूज करने से ज्यादा चार्जिंग पे रहते हैं। और आईफोन ने जितना बेवकूफ बनाया ना, उतना मनमोहन सिंह ने भी नहीं बनाया। पिछले 5 सालों में किया क्या, स्क्रीन साइज कम ज्यादा किया है। और अभी आईफोन 5S आया था, लोग इतने एक्साइटेड थे, आईफोन 5 इज कमिंग इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स, डोंट नो कैसा होगा। पता नहीं है कि कैसा होगा यार, इतने एक्साइटेड थे जैसे घर में छोटा भाई आने वाला है। और आप किसी आईफोन यूजर से पूछो, है कोई यहाँ पे आईफोन यूजर? एक फीचर कितने का लिया था आप बताना मैम, कितने का लिया था? 40 आई थिंक। ऐसे यार 30-40 हज़ार तो यूं फेंक देते हैं। सर आप बताना कितने का लिया था? हाँ आप ही हो, 51। एक फीचर बताना क्या है उसमें, 51,000 का ब्लूटूथ। हाँ या टेल मी वन, नो टेल मी वन, कुछ तो होगा ना 51,000। आई विल टेल यू, लोग कहते हैं टच अच्छा है। और बता, 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, जनरली 8 होता है, मैं थोड़ा सा ऐसे ही बता रहा हूँ, 12 मेगापिक्सल का कैमरा है। साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी, एक तो जब कुछ नहीं ना सीधी यूज किया आज तक, फ्यूचर देखते उससे। फिर लोग कहते साउंड क्वालिटी अच्छी है, मैंने कहा क्यों, अल्ताफ राजा जस्टिन बीबर लगता है। ये वो लोग हैं जो 51,000 का आईफोन ले लेंगे, गाने आज भी songs.pk से डाउनलोड करते हैं। और मैंने कहा 51,000 में दोस्त स्क्रीन टच छोड़ो, लाइव टच मिल जाएगा तुम्हें, वो भी मल्टीपल टाइम्स। आई सीरियसली हेट स्मार्टफोन यार, इसमें वो फीचर ही नहीं है। मिशन इम्पॉसिबल 2 के टाइम पे फ्लैप फोन आते थे, गर्लफ्रेंड फालतू बोलिए झट से बंद करो, एटीट्यूड होता था। आज के टाइम में क्या ऐसे ऐसे करते रहते हो यार। पहले नोकिया 3310 आता था स्नेक वाला, उस टाइम पे घर में लोग हथौड़ा नहीं रखते थे, कहता कील ठोकनी इसी से ही मार दो। फोन गंदा हुआ सुबह काम वाली को दे देते थे, बर्तनों के साथ मांज देती थी, दिन में धूप में सुखाया शाम को तैयार। आजकल क्या वो पिंक कवर चेंज करते रहते हो यार। आज के टाइम में तो आपको किसी का नंबर लेना, किसी बंदी का फेसबुक से नंबर उठा कर दिया, पहले तो नंबर लेना अपने आप में चैलेंज था। मतलब इफ यू हैव टेकन नंबर, इट मीन्स यू हैव क्लियर 3-4 स्टेप्स। आज के टाइम में तो आप फोन करोगे पता है बंदी उठाएगी मोबाइल है, पहले तो उसके फोन उठाने की प्रोबेबिलिटी 1/n होती थी, वेयर n इज द नंबर ऑफ यूजर इन अ रूम। आज के टाइम पे तो आप रात को 10 बजे के बाद व्हाट्सएप कर लेते हो, पहले तो उसके घर छोड़ो अपने घर पे रात को 10 बजे के बाद कॉल नहीं कर सकते थे, बैड न्यूज होगी। एक आजकल मैंने रात को 10 बजे के बाद देखा, सब पापा बन जाते हैं। जानू सोना मेरा बच्चा, 90 किलो की बंदी है, उठा जाने रहा, जानू मेरे बच्चे ने खाना खाया। तो अगर आपके चाचा जिन्होंने लव मैरिज की है आज से 10 साल पहले, वो आपको एडवाइस दे रहे हैं ना, तो सुनो उनकी, काफी तपस्या की है उन्होंने। बट सैमसंग इज लाइक, बट आम आदमी का आईफोन इज लाइक सैमसंग, लाइक द मोमेंट एप्पल लॉन्च इट्स आईफोन एंड वी एज अ मिडिल क्लास फैमिली सेड ओ माय गॉड इट्स टू एक्सपेंसिव आई कांट अफोर्ड इट, सैमसंग आ जाता 7,000 का फोन लेके, जिसका लोग हूबहू एप्पल के आईफोन जैसा होगा, जिसमें एक टच होगा जो कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, एक 2 मेगापिक्सल का कैमरा होगा जिससे आप वोटर आईडी जैसी पिक ले सकते हो,
और 5-6 ऐप्स होंगे, या तो भगवान जानता है या सैमसंग जानता है क्यों डाली गई है. बट ट्रू मोबाइल यूजर्स आर लाइक सोनी एरिक्सन यूजर. इफ यू आस्क एनी सोनी एरिक्सन यूजर, डू हैव एन आईपॉड, व्हाई शुड आई परचेज एन आईपॉड, आई हैव अ डब्ल्यू सीरीज, वॉकमैन सीरीज. डू डू हैव अ डिजी गेम, व्हाई शुड आई परचेज अ डिजी गेम, आई हैव अ के सीरीज, कैमरा सीरीज. अरे बावले, जिस कंपनी को ये नहीं पता कैमरा के से शुरू होता है, सी से, तुम उस कंपनी की टेक्नोलॉजी पे बिलीव कर रहे हो. फिर आया माइक्रोमैक्स, दुर्गति मचा दी भाई गॉड. माइक्रोमैक्स ने एक फोन निकाला, फोन विद अ बैटरी बैकअप ऑफ 31 डेज. बैटरी बैकअप ऑफ 31 डेज, मैंने कहा बैटरी क्यों कह रहा है, इन्वर्टर कह दे. इन्वर्टर छोटा लगता, पावर प्लांट कह दे. उन्होंने फोन निकाला, फोन विद अ बैटरी बैकअप ऑफ 31 डेज, डॉल्बी डिजिटल साउंड प्रोजेक्टर. मैंने कहा पीवीआर सिनेमा बना रहे हो क्या इसको. फिर आया लावा, अपने आप फट जाता था. मैंने कहा ज्वालामुखी से इंस्पायर होगा. लावा ने एक फोन निकाला, फोन विद अ एबीसीडी कीपैड. लाइक आप सबके फोन में ना क्वर्टी कीपैड होता है, उनके उन्होंने एक फोन निकाला एबीसीडी कीपैड वाला. उनका स्पोक पर्सन कहता, इट हैज टेकन लॉट्स ऑफ टाइम फॉर मेकिंग दिस फोन. मैंने कहा हाँ, 2-3 घंटे तो लगेंगे, सारे कीपैड निकालोगे दोबारा लगाओगे. आई सीरियसली हेट स्मार्टफोन यार, इसमें वो है ही नहीं. मतलब इंडिया में मैंने ऐसे स्मार्टफोन यूजर देखे हैं जो 51,000 का मोबाइल ले लेंगे लेकिन नेट ही एक्टिवेट नहीं करवाते. फिर कहते हैं फोन है, फोन की तरह यूज करो, फालतू कैसे आप मत पालो. सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्मार्टफोन यूजर्स एंड अमेरिकन स्मार्टफोन यूजर. अमेरिकन स्मार्टफोन यूजर्स आर लाइक, ओ माय गॉड, iPhone 5C, 1.3 डुअल कोर, 8 megapixel, फेस डिटेक्शन, वॉइस स्टेबिलाईजेशन, LED फ्लैश, आई थिंक आई शुड बाय दिस फोन. इंडियन यूजर्स आर लाइक, अभी वो 65,000 का कौन सा फोन आया है. अरे झूठा सेब बना हुआ है जिसके पीछे. फिर आजकल टैकी लोग हैं, कार्ड की स्कैन कॉपी भेजते हैं. BCC में भेजेंगे, कर्टेसी नहीं है, 2 में भेज दें, कॉल कर लें. BCC में भेजते हो, नीचे लिखते प्लीज कंसिडर दिस एज माई पर्सनल इन्विटेशन. मैंने भी 500 के नोट की एक स्कैन कॉपी लगा दी.